हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटेशंस आप प्लस टू क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही लिमिटेशंस जो है लगभग वित्तीय विवरणों की है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये अगले चैप्टरों के अंदर भी, चाहे वो रेशो का चैप्टर है, चाहे आपका कैश फ्लो का चैप्टर है, चाहे वो अगले दूसरे एक दो चैप्टर हो रहे हैं जो आपके बीच में कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट के हैं, उनके अंदर भी ये लिमिटेशंस आपको बार बार आएंगे। इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ लें। लगभग लिमिटेशंस जो है एक जैसी हैं, केवल मात्र उसमें शब्दों का थोड़ा सी चेंजिंग होगी, अदरवाइज लिमिटेशंस जो है वो जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो फॉर एवर चलती रहती है। हम लिमिटेशंस में हम यहाँ केवल मात्र उसके डीमेरिट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक सीमाओं की बात कर रहे हैं कि जिन सीमाओं को ध्यान में यदि रखा जाए तो वो कमियां दूर भी हो सकती हैं। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी किसी ना किसी चीज का उपचार जरूर होता है, तो यहाँ कुछ एक कमियां जो वित्तीय विवरणों के अंदर पाई गई है, उन कमियों के बारे में हम व्याख्यान करेंगे। तो वो कमियां कौन कौन सी है, तो नंबर एक, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। आप सभी जानते हैं कि लेखांकन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो है वो बेस्ड है ट्रेडिशन और कन्वेंशन पर, अवधारणाओं और मान्यताओं पर। और आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज किसी अवधारणा या मान्यता पर दी गई की गई हो तो उस पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, और वो सारी चीजें जो है वो व्यवसाय को इफेक्ट करती हैं, अकाउंटिंग को इफेक्ट करती हैं, फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि ये बेस्ड है ट्रेडिशन और कन्वेंशन पर। उसके बाद द सेकेंड है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में जो भी हमारे पास डाटा होता है वो पास्ट में घटित एक घटना होती है, हिस्टोरिकल डाटा होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो पास्ट में कोई घटना घटित होती है वही इतिहास बनती है। तो हिस्टोरिकल डाटा अर्थात जिस मूल्य पर आपने उसको खरीदा है उसी मूल्य पर उसको दिखाया जाता है, उसमें होने वाले फ्लक्चुएशन का, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को जो है वो इसके अंदर इग्नोर किया जाता है। तो दैट मीन्स कि ये इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि जो भी आपके पास डाटा है वो बुक वैल्यू का है या कॉस्ट प्राइस का है, जिस मूल्य पर आपने उसको खरीदा था उसी मूल्य का है, उसमें होने वाली फ्लक्चुएशन का इसमें ध्यान नहीं रखा है। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद अगला जो है वो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन, गड़बड़ी की संभावना है। इच एंड एवरी बॉडी नो अकाउंटिंग के अंदर गड़बड़ी की बहुत अधिक संभावनाएं होती है, मैनिपुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। और दिखा दिया किसी आइटम को, यानी कि ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, डिपेंड करता है द नेचर ऑफ बिजनेस या ऑन द जो बिजनेस के ओनर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि भी व्यवसाय में इंटरेस्ट रखने वाली बहुत सारी पार्टीज होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, लाइक क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या देयर आर सो मेनी अदर अथॉरिटीज। परंतु बात यह आती है कि जो व्यवसाय में हम भी जो भी कुछ कार्य करते हैं वो ज्यादातर अकाउंटेंट या जो भी ऑडिट करने वाला व्यक्ति है वो ऑनर को ध्यान में रखकर करता है, और मालिक यदि चाहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन बढ़ा दी जाती है, और यदि मालिक चाहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को कम कर दिया जाए। तो इस प्रकार की मैनिपुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, मैनिपुलेशन जो है इसके अंदर पॉसिबल है। तो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन हमेशा ही अकाउंटिंग में रहते हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ऐसा स्कोप नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अगला जो है ये बोलते हैं इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव, कि जब आप लेखांकन कार्य का कार्य करते हैं तो इस पर व्यक्तिगत निर्णयों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट का मतलब ये होता है कि व्यवसाय में बहुत सारी, जैसे आपको बताया, पार्टीज भी होती है, परंतु पार्टीज के साथ साथ कुछ क्या कई बार अकाउंटेंट के मन में ये होती है कि अकाउंटेंट ये बोलता है कि प्रॉफिट को बिफोर टैक्स दिखाया जाए या आफ्टर टैक्स दिखाया जाए, डेप्रिसिएशन की वैल्यूएशन के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाए, स्टॉक के वैल्यूएशन की कौन सी विधि अपनाई जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग वेरिएशन होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी जो है ये पर्सनल जजमेंट से भी जो है वो वित्तीय विवरण प्रभावित होते हैं, मतलब उनकी जो जजमेंट है वो इसको प्रभावित करती है इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट। चाहे वो आपका अकाउंटेंट है, चाहे ऑडिटर है, चाहे आपका ओनर है, और चाहे अन्य पार्टीज है, वो सारा इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद जो है इग्नोर क्वालिटेटिव इफेक्ट, ये तो आपको पता ही है एस्पेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी। तो ये लिमिटेशन क्या है कि क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उनको ही जो है लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आर इग्नोर्ड, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट मीन्स नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
ओनली दो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आर इग्नोर. तो यहाँ तीन इंडिकेशन है कि व्यवसाय में केवल मात्र उन्हीं मदों को दिखाया जाता है जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो, अमौद्रिक व्यापारों का लेखा जोखा नहीं किया जाता है, यद्यपि व्यवसाय पर इनका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन या कोई भी प्राइस पॉलिसी, कंट्रोलिंग की पॉलिसी, कंज्यूमर की, कस्टमर की स्ट्राइक, ये कई चीजें जो है, या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, ये सारी चीजें जो है व्यवसाय पर प्रभाव डालती है, परंतु क्योंकि इनका कोई मौद्रिक मूल्य ना होने के कारण ये कहा जाता है कि इनको इग्नोर किया जाता है. तो इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और लिमिटेशन है. उसके बाद इग्नोर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. बाजार में होने वाले जो उतार चढ़ाव है, इन्फ्लेशनरी मतलब है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव है, प्राइस लेवल जो है उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को जो इग्नोर किया जाता है. आपकी जो असर दिखाए गए हैं, यदि उनकी वैल्यू 10,000 है, आप उसको उसी वैल्यू पर दिखाते हैं. हो सकता है उसकी वैल्यू मार्केट में 15,000 हो, या हो सकता है उसकी वैल्यू जो है मार्केट में 5,000 हो. तो इस प्रकार के जो होने वाले उतार चढ़ाव है वो इग्नोर किए जाते हैं. इन्फ्लेशनरी जो गैप है उनको जो है बिल्कुल इग्नोर किया जाता है. इफेक्ट जो बढ़ते हैं इसके, यद्यपि इसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो चीज आपने देखा उसको भी दिखाई है वो उसी मूल्य पर बिके, ऐसा जरूरी थोड़ा भी है. हो सकता है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है उससे चार गुना बिके, या उससे चार गुना कम बिके, या उससे थोड़ा ज्यादा बिके, या उससे थोड़ा कम बिके. तो इस प्रकार से जो होने वाले फ्लक्चुएशन है उसको इग्नोर किया जाता है. यदि भी व्यवसाय में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए. उसके बाद ये कहा जाता है इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टीज. आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में बहुत सारी पार्टीज होती है और उन सारी पार्टीज के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है. केवल मात्र मालिक की मर्जी को देखा जाता है, क्योंकि अकाउंटेंट मालिक के द्वारा रखा गया कर्मचारी होता है. मालिक जैसा बोलता है वो वैसा करता है. मालिक बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को बढ़ाने के लिए भी क्या करना चाहिए, वो बोलता है क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दो, खर्चों को कम कर दो, ऐसा ही किया जाता है. मालिक बोलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को जो है वो कम कर दो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा, परचेज को बढ़ा देगा, खर्चे को बढ़ा देगा, लॉसेस को दिखा देगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. That means कि the other parties, चाहे वो आपका other parties में bankers हो, चाहे कोई financial institution हो, चाहे customer हो और चाहे अन्य व्यक्ति हो, तो उसकी सारी interest को ignore कर दिया जाता है. केवल मात्र मालिक की यही बातों को ध्यान में रखा जाता है. तो यहाँ पर ये भी जो है इसकी एक limitation है. उसके बाद incapable का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक limitation सी है कि अयोग्य माना जाता है. अयोग्य का मतलब ये होता है कि जो financial statement है ना, वो कई बार व्यवसाय की सही प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन, सही फाइनेंशियल पोजीशन और एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताते हैं, तो इसलिए भी इसे इनकैपेबल माना जाता है. उसके बाद विंडो ड्रेसिंग. अभी विंडो ड्रेसिंग आपको बताया था, जैसे इग्नोर द अदर पार्टीज में भी आपको बताया था कि विंडो ड्रेसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. ऊपरी दिखावट. अगर आप व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को अच्छा दिखाना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं. विंडो ड्रेसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब दिखाना, दिखावा करना. दिखावा करने का मतलब यह है कि आप जो जैसा दिखाना चाहते हैं बिजनेस को वैसा दिखा सकते हैं. आप चाहते हैं बिजनेस लॉस को दिखाना है तो लॉस दिखाया जा सकता है. अगर आप दिखा रहे हैं कि बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अधिक दिखानी है तो आप प्रॉफिटेबिलिटी अधिक दिखाते हैं, क्योंकि अगर मालिक चाहता है उसने लोन लेना तो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को अधिक दिखा देगा, और मालिक चाहता है कि भी हमने जो है ऐसा इनकम टैक्स से बचना है तो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को कम दिखाने के लिए वह सुझाव देगा. तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये विंडो ड्रेसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये ऊपरी दिखावट भी जो इसके अंदर संभव है. तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने पढ़ी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.